वो लोग जिनको खूनी बवासीर हैं उनको तो ख़ास तौर पर अपनी ग़िज़ा के अंदर बड़े गोश्त का इस्तेमाल और ख़ास तौर पर जो है रेड चिली का इस्तेमाल, ये तो उनके लिए जहर है। वो लोग जिनको बवासीर का मर्ज़ है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि उनको चाहिए कि वो ख़ास तौर पर ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं, तो गर्म पानी से इस्तंजा उनके लिए ठीक नहीं है। गर्म पानी से इस्तंजा उनके लिए ठीक नहीं है। उनके लिए जो तजर्बात हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको बतलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी से भी उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। और दूसरी बात मैंने आपको बतलाया था कि ये जो तेल मैंने बतलाए हैं 5 किस्म के, यानी 4 किस्म के, बादाम का तेल, जैतून का तेल, कलौंजी का तेल और इसी तरीके से खोपरे का तेल, यानी ये चारों तेलों को इनको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जो है इस तेल को जो है ना रोज़ाना लगाएं, सुबह शाम 2 टाइम लगाएं। और इसके साथ साथ एक काम और करें, ये जो एप्पल साइडर विनीगर है इसको भी रुई के साथ लगाकर इसको भी मकाद पर लगाएं। इसके साथ साथ वो लोग जो जिनको बहुत ज़्यादा बादी रहती है और बहुत ज़्यादा पेट में तकलीफ़ रहती है, तो उनको मैं हमेशा कहा करता हूँ कहवे का इस्तेमाल करें। और कहवे में ख़ास तौर पर हर घर के में ये एक रूटीन बना लें कि आपने खाने के घंटे के बाद आपने ये कहवा पीना है तो आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। उस कहवे के अंदर क्या डालें आप, उसके अंदर जो है सौंफ 1 चम्मच। अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदकात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी जरूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। महाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमजानुल मुबारक में हजारों मुस्तहकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 01216773999। तौर पर फाइबर से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि सुबह नहार मुंह ये ब्रेड वाला चक्कर छोड़ दें। जिन घरों में ब्रेड ज़्यादा है ना तो उन घरों में हमेशा पेट की बीमारियां होती हैं, जिन घरों में बेकरी का इस्तेमाल ज़्यादा है तो उनके घरों में ज़्यादा बीमारियां ही रहती हैं। तो इसलिए सुबह नहार मुंह घर में बच्चों को आदि बनाएं और विटामिन की जगह कोई और चीज़ें, विटामिन की जगह पर आप पोरेज का इस्तेमाल करें। पोरेज जो है ये बहुत मुफीद है। पोरेज जो है ये तलबीना जो है इसी से, यानी जौ का दलिया सुबह नहार मुंह से इस्तेमाल करें तो इंतहाई आपकी सेहत बेहतर रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला शिफाए कुली नसीब फरमाए।